है प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बल के प्रकार। कल हम लोग बल को पढ़े थे अच्छे से, उसके मात्रक को पढ़ लिए थे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कंटिन्यू। तो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जनवरी 2021 क्लास 9 साइंस चल रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज बल के प्रकार। तो टाइप ऑफ फोर्स क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स। इसके पहले एक पॉइंट और उसमें रह गया था जो हमें यह समझना है कि बल है क्या। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। वो क्या था, बल है क्या। बल में हम लोग दो चीजें समझ पाए थे, एक इसमें दिशा भी होता है और इसमें जो होगा जैसे हम किसी पर बल लगा रहे हैं तो वो बल जो है कितना लग रहा है। जैसे ये हम आपको बताए थे कि इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो जैसे हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, कितने बल न्यूटन का, अगर हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वो उसका कहलाता है परिमाण। क्या कहलाता है, परिमाण, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए जैसे हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इसका मतलब जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, ये क्या है, दिशा है और इसको बोलते हैं परिमाण। ठीक, तो जो भी भौतिक राशियां हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं अगर उसमें दिशा है और उसका परिमाण है तो उसको बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और जिसमें दिशा ही, जिसमें इसी परिमाण हो दिशा ना हो तो उसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसे अगर एग्जांपल हम बताना चाहें समय, समय क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि समय तो क्या है उसमें 10 सेकेंड 15 सेकेंड, लेकिन उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है कि 10 मिनट पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में, मतलब उसमें दिशा नहीं निश्चित होती। बट हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो हमें पता है कि हम बल इस ओर धक्का दे रहे हैं, तो वस्तु इस दिशा में, जिस दिशा में वस्तु सरकेगी या अपनी स्थिति में परिवर्तन जिस दिशा में करेगी, बल उसी दिशा में लगता है। तो यह हमें निश्चित हो गया कि बल की दिशा में पता है। अगर हम 10 न्यूटन बल उसमें लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि उसमें परिमाण तो सभी में होता है, बल दिशा जिसमें होगी वो दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, सदिश राशि। इसलिए बल क्या है, एक सदिश राशि, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बल एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, आप नोट से बनाते रहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे बल के प्रकार। तो हम बल क्या है, एक सदिश राशि, आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं। तो बल के प्रकार, बल के प्रकार, ठीक, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ फोर्स। देखिए बल को जो है दो भागों में बांटा गया है। देखिए ऐसा आप समझिए, किसी बल को क्या होता है, सिर्फ हम छूकर, मतलब कोई वस्तु को अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो हम क्या करते हैं, उसको छूते हैं, उस जिसकी स्थिति में परिवर्तन करना है, जो भी एलिमेंट हो, जो भी वस्तु हो, उसको हम छूकर अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बल होते हैं जो उसके एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, उसका प्रभाव होता है, उसका बल उस पर लगता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देना चाहें जो चुंबकीय बल, चुंबक क्या होता है, आप देखेंगे एक चुंबक है और दूसरा कील हो जाए, निकिल हो जाए, बोल सकते लोहा हो जाए, लोहा या कोबाल्ट जो भी है, अगर वो चुंबक के थोड़ा से पास ले जाओ, इसका मतलब दोनों के तल छू नहीं रहे हैं, ना तो चुंबक छू रहा है ना कील छू रहा है, बट वो एक चुंबक क्या करता है, उस पर एक बल लगाता है। दो प्रकार उसमें क्या होता है, अगर समान आवेश है तो उसको बोलेंगे उस पर कौन सा बल लग रहा है, समान आवेश हमेशा एक दूसरे से ढकेलते हैं, मतलब दूर भेजते हैं, और असमान क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये आवेश, इसमें ध्यान रखना है कि चुंबक की अगर हम बात करेंगे तभी हम चुंबक को पढ़ाएंगे भी, तो चुंबक में दो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ, नॉर्थ क्या होगा, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित का मतलब दूर धकेलना, आकर्षित का मतलब होता है पास खींचना।
तो कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि उनमें सतहों में संपर्क नहीं होता, फिर भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बल का अनुभव होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब ऐसे ही मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो आपको इतना खींचेगा वो, तो उस पर एक बल का अनुभव होगा, उस बल को बोलते हैं असंपर्क बल। मतलब सतह छू नहीं रही है फिर भी बल का अनुभव हो रहा है, तो वो असंपर्क बल होता है। इसका मतलब अगर सतह छू रही है, सतह एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह के संपर्क में बल का अनुभव होता है, उसे संपर्क बल होते हैं। बिना सतह के छुए बल का अनुभव होता तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। तो हम देखेंगे दो भागों में इसको बांटा गया है, संपर्क बल और दूसरा क्या होता है असंपर्क बल। तो प्यारे बच्चों देखिए, संपर्क बल क्या है और असंपर्क बल क्या है, अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं। अब इसकी हम अगर डिफिनेशन की बात करें, संपर्क बल में कौन कौन आएगा, तो हम इसकी डिफिनेशन लिखवा देते हैं। तो संपर्क बल क्या है, जब दो दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के सतह स्पर्श करके करने पर लिख दो, करने पर दो वस्तुओं की सतह के संपर्क, सतह के संपर्क करने पर बल का अनुभव होता है, बल का अनुभव होता है, अनुभव हो तो वह होता है, तो वह संपर्क बल कहलाता है। संपर्क स्पर्श का मतलब होता है छूना, संपर्क बल कहलाता है। जैसे कौन कौन से बल होते हैं इसमें हम देखेंगे, संपर्क बल को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला होता है आप समझेंगे घर्षण बल, नहीं तो पहला पेशीय बल लिख दीजिए, पेशीय बल, पेशीय बल। एन क्या होता है घर्षण बल, ये मुख्यतः हमें पढ़ना है संपर्क बल में। तो आप समझिए ध्यान से कि क्या होता है, अभी हम संपर्क बल की बात करें तो दो वस्तुओं की सतह के स्पर्श करने पर बल का अनुभव होता है। यहां लिख दे, चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि दो वस्तुओं की सतह के संपर्क करने पर बल का अनुभव होता है तो संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल है। जो कौन कौन से ऐसे बल होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। तो कोई अगर दो सतह हैं, दो वस्तु की सतह के संपर्क से बल अगर उत्पन्न बल का अनुभव हो रहा है तो वो संपर्क बल होगा, जैसे ही होता है पेशीय बल और आपका घर्षण बल। अभी हम इसको समझाएंगे, पेशीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, पहले इन दोनों को अलग अलग बता देते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर असंपर्क बल की बात करेंगे। अब आप लोग डालिएगा पेशीय बल क्या होता है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे पेशीय बल। हम लोग पढ़ेंगे पेशीय बल, देखिए पेशीय बल क्या होता है। पेशीय बल का मतलब होता है कोई भी सजीव है, कोई भी सजीव के मांसपेशियों के प्रयोग से फलस्वरूप, ऐसा बोल सकते हैं,
सजीवों के मांसपेशियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल बोलते हैं। यहां शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सजीवों के, वो सजीव लिविंग थिंग्स हम भी हो सकते हैं। मानव भी क्या करता है, बाल्टी को उठाता है, तो बाल्टी को उठा किस बल से रहा है, पेशीय बल से, क्योंकि उनमें क्या होता है, मांसपेशी होता है, जो मांस होते हैं उनके बल से क्या होता है, हम बाल्टी को उठा पाते हैं। तो मांसपेशियों के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल। अब जैसे एक घोड़ा है, घोड़ा क्या कर रहा है, टाली को अगर खींच रहा है, कोई भी खींच रहा है, तो वो क्या होता है, मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल है, इन्हीं बल को बोलते हैं पेशीय बल। तो हम यहां लिखेंगे सजीवों के मांस पेशीय के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं।